मनु जी ईश्वर से बड़ा कुछ है नहीं। ये भी मुझे अनुभव आया कि मन में वेदना तो है, कष्ट तो है, लेकिन जिस तरह से ईश्वर ने हमें लगा कि दंड दिया है, वो उनसे बड़ा कोई है नहीं। वो व्यक्ति स्वयं दे नहीं सकता दंड। कभी कोई भी परिस्थिति बने, व्यक्ति को स्वयं दंड का रास्ता चुनना नहीं चाहिए। जो ईश्वर दंड देता है वो बड़ा ही भयानक होता है। ईश्वर ने दंड दिया भी है, कई घटनाओं में दिया और हमारी घटना में भी दिया। वो दंड बहुत ही बड़ा था। तो आप ये मानते हैं कि प्रकृति जो देती है, वो चाहे दंड हो चाहे पुरस्कार हो, उसको सहज स्वीकार करना चाहिए। आपने सब कुछ स्वीकार करते हुए, मतलब कहीं चैन नहीं मिलता, इतनी बड़ी कहीं भी अच्छा नहीं लगता था। तो बच्चों की देख रेख भी ठीक से नहीं हो पाती थी, तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं। तो बच्चों को कोटा बिरला उसमें स्कूल में ले गए। तो वो बहुत ही कठिन समय था। हस्बैंड की हत्या के बाद दूसरा कठिन समय था जब अपने बच्चों को वहां पर छोड़कर आए। बहुत खराब, मतलब बहुत नहीं, मतलब बहुत बुरा लगा कि आज हमारे बच्चों के बाप भी नहीं है और हमें भी अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए। पर एक तरह से बहुत ही मन मजबूत करके, और मन मजबूत हुआ नहीं था। आज भी जब वो मंजर याद आता है तो बहुत ही कष्ट होता है। लेकिन बच्चों को वहां छोड़ना पड़ा, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी। वहां पे छोड़ के आए तो हर त्योहार पे बच्चों के पास जाना होता था। मैं, मेरी सास, मेरे परिवार के लोग, ज्यादातर हम लोगों की होली दिवाली प्लानी में ही होती थी। हम लोग प्लानी जाते थे बच्चों के पास, और वहीं पर धर्मशाला में या होटल लेके और बच्चों को बुला के और वहीं पर त्योहार करके, और फिर बच्चों को, ये पति की हत्या के बाद एक बच्चों को छोड़ने का सबसे बड़ा कष्ट रहा। उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में जब यहाँ आ गए तो व्यस्तता रहती थी, व्यस्त हो जाते थे, धीरे धीरे भूल जाते थे, यहाँ के वातावरण में ढल जाते थे। फिर कभी जब बच्चे आते थे, फिर बच्चे जाते थे, तो फिर वही परिस्थितियां बनती थी। धीरे धीरे चलता रहा। और ऐसा मोमेंट था एक कि घर पे तो कुछ करने का या कुछ देखने का मन ही नहीं होता था, तो बस क्षेत्र में लोगों के बीच में ही रहना अच्छा लगता था। वहां पर कुछ हमारा कष्ट भी कम हो जाता था और व्यस्तता भी रहती थी। और अगर किसी के लिए, शुरू से ही विधायक तो मैं आज बनी हूं, लेकिन मुझे ये लगता नहीं था कभी कि मैं राजनीति में किसी की मदद नहीं कर पा रही। मतलब मैंने अपने आप को सदैव सक्षम पाया और लोगों के काम करती रहती थी, उनकी मदद करती रहती थी, डीएम से, एसएसपी से, पार्टी का काम। तो शांति मिलती थी और व्यस्तता भी रहती थी। बहुत कड़वे अनुभव है। हाँ, बहुत। वो कभी ये सोचती हूँ कि मुझे ये समय ना मिले कि मैं ये परिस्थिति याद करूँ, इसलिए मैं बहुत अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। ऊपर से तो लोगों को देखने में लगता होगा ना कि विधायक हैं और बहुत अच्छे से है सब कुछ है, लेकिन मैं, कष्ट महिला के लिए अपने, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। तो ये जो आज जिस कॉलेज प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, ये कब आपने विचार किया इसको बनाने? हाँ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन जब की तो 2004 में भारतीय जनता पार्टी से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे अटल जी, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, और वो चुनाव भी बहुत अच्छा था, और समाजवादी पार्टी के कारण वो चुनाव हमको जबरदस्ती हरा भी दिया गया। फिर उसके बाद पार्टी ने हमारा मूल्यांकन किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चुनाव हार गई, कोई बात नहीं, तो हमको लगता है कि आप संगठन में भी काम कर लोगे। आदरणीय नागेंद्र जी उस समय संगठन मंत्री थे, तो उन्होंने हमको कहा कि तुमको क्षेत्रीय टीम में काम करना है। मैंने कहा ठीक है भाई। सब राजेंद्र अग्नोत्री जी थे, उनके साथ फिर क्षेत्रीय टीम में काम किया। उसके बाद कला जी ने कहा कि नहीं, तुमको तो प्रदेश में राजनीति करनी होगी, तो हमको रमापति जी के साथ प्रदेश मंत्री बना दिया गया। तो पूरे प्रदेश में दौड़ा करना, काम करना, जाना, पार्टी का काम करना, तो थोड़ा सा समय भी कटता था और अच्छा भी लगता था, अनुभव भी आते थे। तो प्रदेश मंत्री के रूप में काम किया। फिर उसके बाद 2009 में विधानसभा का उपचुनाव था, बहुत ही कठिन चुनाव था, और मैंने, जब मुझसे कहा गया कि तुमको चुनाव लड़ना है, तुमने कहा भाई सब 7,000 वोट मिलेंगे, ऐसे ही मेरे मुंह से निकला, और वहाँ पे बहुत खराब परिस्थिति बनेगी। तो उन्होंने कहा कि बड़े लोग, अटल जी एक बार इलाहाबाद से लड़े थे और हार गए थे, जब कठिन परिस्थिति होती है तब मजबूत लोगों को लड़ाया जाता है, तो आप नामांकन करिए। टिकट फाइनल होने के 5-6 दिन तो मैं विचार करती रही, फिर मुझे लगा कि अगर नहीं लड़ूंगी तो लोग कहेंगे कि कहीं कंप्रोमाइज कर ली या डर गई या दब गई। तो फिर वो चुनाव लड़े और वास्तव में परिस्थितियां ये बनी कि वोट लगभग 7-8 हजार ही वोट मिला,
और उसके बाद फिर पार्टी ने हमको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। स्मृति जी हमारे चुनाव के नामांकन में आई थी, तो उन्होंने यहाँ पर जो वातावरण देखा तो उन्होंने हमको फ़ोन किया कि सरता जी हम तुमको राष्ट्रीय महामंत्री बनाना चाहते महिला मोर्चा। मैंने कहा ठीक है दीदी, आप कह रही हो तो, वैसे तो महिला मोर्चा में काम करने का मन नहीं, लेकिन आप कह रही हो तो मैं ज्वाइन करूँगी। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, महामंत्री नहीं फिर हालांकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। और बहुत अच्छी टीम थी, मीनाक्षी लेखी थी उसमें, मैं थी, स्मृति जी थी, आनंदीबेन पटेल हमारी संरक्षक थी जो इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। तो प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। फिर उसके बाद प्रदेश में वापस आए तो लक्ष्मीकांत जी प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उन्होंने अपनी टीम में फिर हमको मेन बॉडी में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। इस तरह से राजनीतिक सफ़र चलता रहा, व्यस्ताएँ हो गई, बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए, और उसके बाद फिर तैयारी लगातार रहती थी। तो पार्टी को ये लगता था कि एक बार नहीं, कहीं ना कहीं से इनको ये डिजर्व करती हैं कि इनको कहीं ना कहीं से चुनाव जीतना चाहिए। इटावा थोड़ा कठिन था, यहाँ पे जाति समीकरण भी थोड़ी टफ है। तो फिर मैंने सिकंदरा से 2 वर्ष तैयारी की और वहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण बनाया। तो लेकिन पार्टी ने फिर कहा, फिर आदेशित किया कि नहीं आपको तो इटावा ही से लड़ना है। तो मैंने कहा ठीक, इटावा से लड़ेंगे। तो 2016 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब आदरणीय मोदी जी ने स्टार्ट किया, तो उसका पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय पर मैं उसके प्रदेश संयोजक बनी, वो कार्यक्रम भी किया। तो इस नाते भी पूरे प्रदेश में दौड़ती दाड़ती रही। फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुमको इटावा ही से लड़ना है। तो फिर इटावा से 2017 में ऐसा लग नहीं रहा था कि चुनाव जीत पाएंगे, कठिन परिस्थितियाँ थी इटावा में थोड़ा, लेकिन लोगों ने बहुत साथ दिया और इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद 2017 में इटावा के लोगों ने मुझे विधायक के रूप में चुना। मैं तो सदैव उनकी आभारी रहती हूँ। एक और परिस्थिति बनती है जब कहीं कोई दुर्घटना होती है यंग एज में, और उस घटना दुर्घटना में जाना तो होता ही है सबके यहाँ। कई बार ऐसी परिस्थिति बनी मनोज जी कि मैं बैठी थी, बॉडी रखी थी, और लोग उस परिवार की महिलाओं से कह रहे थे कि सरिता भदौरिया बनो। अब उनको यही ध्यान नहीं था कि सरिता भदौरिया यहाँ बैठी हैं। तो जब मैं सुनती थी तो थोड़ा सा और लगता था कि नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। परेशानी तो कभी भी किसी पे भी आ सकती है, किसी भी दुर्घटना में किसी के साथ हो सकती है, मेरे साथ हुई या किसी और के साथ हुई। तो इतना तो हमको हिम्मत रखनी चाहिए कि सब कुछ वहीं समाप्त हो जाए, फिर बच्चे भी समाप्त हो जाएं, घर परिवार भी समाप्त हो जाए, पूरा जीवन समाप्त हो जाए। तो मुझे लगा कि अगर किसी भी महिला को अपने पति की मृत्यु के बाद उसको श्रद्धांजलि देनी है तो सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हिम्मत के साथ उसको खड़ी हो वो महिला, और अपने पति के सपनों को पूरा करे और उनकी यात्रा को आगे बढ़ाए, उनके घर परिवार को देखे। यही सच्ची श्रद्धांजलि मुझे लगा। तो सरता जी की जिंदगी का जो लब्बुलवाब है, तो कहना ये चाहती हैं कि कचहरी से जो अब तक मैंने समझा है, इस दौर में आप अपने पति के न्याय की लड़ाई लड़ रही होंगी, बहुत सारे संघर्ष होंगे, बहुत सारे अवरोध होंगे। मैंने गजल में कहीं लिखा था कि कचहरी से कभी गुजरे, कभी थानों से गुजरे हैं हमारे ख्वाब, जाने कितने तूफानों से गुजरे हैं। सच का कचहरी से कभी गुजरे, कभी थानों से गुजरे हैं हमारे ख्वाब, जाने कितने तूफानों से गुजरे हैं। विजय का हार उनके ही गले डाला है दुनिया ने, जो पूरे हौसले के साथ मैदानों से गुजरे, पूरे हौसले के साथ इस युद्ध क्षेत्र से निकल कर आप आज समाज के एक मुख्य धारा में आकर बहुत सारे लोगों की सेवा करने का आपको मौका मिल रहा है और आप खूबसूरती से उसको अंजाम। कोई ऐसी बात जो आप हमारे जो दर्शक हैं प्रशस्ति स्टूडियो को, उनसे कहना चाहती हूँ, इस देश की महिलाओं से, लड़कियों से जो विशेष बात आप कहना चाहती हूँ, एक संदेश पर अपना वो आप उसके लिए। देखिए, जब हमारे हस्बैंड की हत्या हुई थी तो पार्टी के लोगों ने ये घोषणा की थी कि हम उनके नाम से एक विद्यालय बनाएंगे। मुझे लगा कि वो संकल्प, अब कोई पार्टी तो पूरा नहीं करती, तो वो संकल्प मुझे पूरा करना चाहिए। तो एक बड़ा विद्यालय आप जिसमें बैठे हैं वो मैंने अपने स्वर्गीय पति के नाम से बनाया। और हमको एक बार आगरा की मेयर प्रेमलता परमार जी मिली, तो उन्होंने कहा कि सरता तुम्हारी इतना सब कुछ करती हो और बहुत हौसले से संघर्ष कर रही हो, हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसे चलती है। तो मैंने कहा दीदी परिवार के लोग सहयोग कर।
उन्होंने एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि परिवार के लोग सहयोग करते हैं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारे, अच्छा, तुम्हारी पर्सनालिटी पे सूट नहीं कर रहा है, तुम्हें कुछ भी करके अपनी व्यवस्थाएं अपने आप संभालनी चाहिए, तब तुम एक सफल महिला के रूप में खड़ी हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो रामायण में भी लिखा गया कि पराधीन सपनों सुख नाही, कर विचार देखो मनवाही। तो फिर मैंने धीरे धीरे विचार किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर सकती हूँ, अपने बच्चों को कोई एक लाइन दे सकती हूँ। तो इस विद्यालय को 2007 में 2008 में इसमें मान्यता ली डिग्री कॉलेज की, और ये विद्यालय प्रारंभ किया। आज यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है, एक डिग्री कॉलेज है, ठीक ठाक विद्यालय है, बच्चे देख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि महिलाओं के लिए तो केवल इतना टूटने से और गिरने से कोई काम चलता नहीं, क्योंकि जिस जो स्थिति मैंने अपने हस्बैंड की देखी थी, कई बार मुझसे कई बड़े नेताओं ने कहा, तो मैंने कहा कि भाई साहब, किसी भी पति को अगर पत्नी के सामने कोई एक तमाचा मारे तो वो नहीं आदमी जीवन भर भूल पाएगा। और मैंने तो अपने पति के मांस के चीतड़े दीवारों पे लटके देखे हैं, तो वो मंजर मैं भूल नहीं सकती हूँ इसलिए। लेकिन मैं कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाऊंगी जिससे समाज में महिलाओं का अपमान हो या कुछ गलत हो, लेकिन समाज में अपने आप को साबित करके मैं ये बात तो सिद्ध करूंगी कि कोई भी व्यक्ति कभी मरता नहीं है, अगर उसके परिवार के लोग बहुत ईमानदारी से उसकी पत्नी उसके साथ अगर खड़ी हो तो उसका पति कभी मरता नहीं है। आज भी जब कहीं निकलती हूँ और रोड पर मेरे नाम की पटिया लगी होती है तो मुझे लगता है कि मेरे स्वर्गीय पति इस पटिया के अंदर आज जीवित। आप एक बेहतरीन बेटी रही होंगी मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा आपकी बातों से मुझे लगा, एक बहुत अच्छी बेटी और एक आदर्श माँ के साथ साथ एक जुझारू पत्नी होने का जो आपने जो एक अपना व्यक्तित्व बनाया है वो निश्चित तौर पर प्रणाम। समाज आप जैसे लोगों से कुछ न कुछ अवश्य सीखेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो सपने हैं और आगे का जो आपका जीवन है वो बहुत खूबसूरत रहे, बहुत शानदार रहे, आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही अपने समाज सेवा के और जो राजनीतिक धर्म है उनको पूरा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।